गुड मॉर्निंग मिस्टर मेहरा। 25 73 74 75। और देखा, इस तरह सवेरे में रोज चार सेट लगाता हूँ। क्या 75 के चार सेट यानी कि 300 बैठक्स? आहो ओए सुपु सिंह, आदमी जितनी खुराक खाता है ना उतनी उसे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए फिट रहने वास्ते। मिस्टर मेहरा, मैं तो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी फिट हूँ। और तू जितना खुराक खाता है ना उस हिसाब से तेरे लिए तो सांस लेना भी एक हैवी एक्सरसाइज है। मिस्टर मेहरा, जो लोग कम खाते हैं ना उनका दिमाग ज्यादा चलता है। ऐसा तेरी बात सच होती ना तो हिंदुस्तान का हर भिखारी साइंटिस्ट और प्रोफेसर होता। यार यू गॉट टू हैव अ हेल्दी बॉडी टू हैव अ हेल्दी माइंड, फिट ऐसे एकदम समझा। वो घास फूस खा के शरीर में ताकत नहीं आती, दिमाग क्या चलेगा। मिस्टर मेहरा, नॉनवेज खाने के कुछ फायदे हो सकते हैं लेकिन उसके साथ नुकसान भी बहुत है। वेज खाने का फायदा ही फायदा है, डू यू नो दैट? सुबो सिंह, वो वेज खाने का एक फायदा मुझे पता है, वो वेज खाने वाले इतने कमजोर हो जाते हैं कि लोग उन्हें पीटने से डरते हैं, कहीं मन मरा जाए तो पुलिस केस हो जाए ना। स्वेर हो गई हैं, तकरार शुरू हो गई आप दोनों की ना? नहीं वो नहीं पागवान, वो तेरा जवाई है ना, वो मुझे वेजिटेरियन खाने के फायदे समझा रहा था और मैं उसे खतरे यानी कि भैंस के सामने बीन बजा रहा था। ओए तूने मुझे भैंस कहा? मेरे हाथ में बीन कहाँ है? बीन तो नहीं है पर मैं। हाय रब्बा, ए आग कब बुझेगी? छोड़े ना, देखिए मैं आपको एक्चुअली ये देने को आया था। ओए ओए सुन, अगर ये लेटर बॉम है तो तेरी सांस को दे। यो देखिए, ये मेरे और चांदनी के खाने का खर्चा है। कितना हुआ? ओए कितना का? देखिए मिस्टर मेहरा, चांदनी और मैं यहाँ खाना खाते हैं ना, उसका खर्चा तो मुझे देना चाहिए ना। ओए सुबू, तूने इस घर को मेहरा दा टाबा समझ रखा है क्या? अदिल्ला, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक सेफ गेम खेलना चाहता हूँ। ओए नाउ यू स्टार्टेड प्लेइंग गेम्स विद मी आल्सो। मिस्टर मेहरा, देखिए अगर मैं यहाँ फ्री में या फुकट में खाना खाया ना तो एक दिन आप घूम के मुझे नमक आराम कह सकते हैं। ओहो इन्नी सी गाल है ना, तो एक काम करना, तू एक अपनी नमक की पुड़िया अलग रख और अलग से डाल लिया करना। वाई ओनली नमक मिस्टर मेहरा? मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अपना वेजिटेरियन खाना अलग से पका लूंगा। चले आए की कह रहे हैं? देखिए मम्मी, मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं और चांदनी अलग से वेजिटेरियन खाना बनाए करेंगे ना। ओए क्या क्या, चांदनी वेजिटेरियन खाना खाएगी? ओए सुन, पंजाब की शेरनी भूखी मर जाएगी लेकिन घास नहीं खाएगी, समझी? और ये वेजिटेरियन खाना बनाएगा कौन? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे खाना वाना पकाना नहीं आता। ठीक है, डोंट गेट एक्साइटेड, खाना मैं पका लूंगा, आई नो हाउ टू कुक। ओए वो किसी को भी खाना पकाने की क्या जरूरत है, अपना रघु है ना। आप भूल गए, रघु छुट्टी पे है, आजकल बग्गू आया है। तो बग्गू खाना पका लेगा? नहीं नहीं सर प्लीज, वो बग्गू अच्छा नॉनवेज खाना बनाता है, उसको वेजिटेरियन खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है, उससे अच्छा कुकिंग तो मैं कर लूंगा। ओए पुत्र, ये इडली डोसा और वड़ा नहीं बनाना है समझा, कोफ्ते शोफ्ते बिरयानी पुलाव बनाना इतना आसान नहीं है। एग्जैक्टली मिस्टर मेहरा, वेजिटेरियन खाना बनाना आसान नहीं है, नॉन वेजिटेरियन बहुत इजी है। अच्छा नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत इजी है? यस। तो एक काम कर, एक बार सिर्फ एक बार तू मुझे नॉन वेजिटेरियन खाना बना के दिखा दे, उसके बाद तुझे जो चाहिए बनाना। हाँ तो तय है, कल खाना मैं बनाऊंगा, वो भी नॉन वेजिटेरियन। ओके डन। तो पुत्र, अब तूने जब सर पे चिकन कफन बांध ही लिया है तो मेरे खाने की दो टिप भी सुन ले। ओके। टिप नंबर वन, ये खाना जो है वो तू मेरे पेट में फीड करने वाला है, कंप्यूटर में नहीं। एंड टिप नंबर टू, पंजाबी मुर्गा भी साउथ इंडियन पे अटैक कर देता है, समझा? श्री महागणपति। वो देखो आ गया सड़क बहादुर सिपाही जंग की तैयारी करके। सुबह को चढ़ाइए मत। मैं चढ़ा नहीं रहा बेटी, मैं तो चढ़ा रहा हूँ, तारीफ के पुल बांध रहा हूँ। वो बाय द वे सुबह, वो तू सारे मोहल्ले नु बुला रहा है क्या खाना खाने? मिस्टर मेहरा, मुझे एक पूरे पंजाबी फैमिली का पेट भरना है। ओए तू हमें इतना भूखा समझता है? नहीं प्रॉब्लम ये है मिस्टर मेहरा कि मैं आपको समझता ही नहीं हूँ। क्या? चलो चांदनी लेट्स गो। एक मिनट। ओए तेरी मेरी शर्त है, खाना बनाएगा तो तू अकेला, अगर किसी की भी हेल्प ली तो अपना सौदा कैंसिल, समझ गया? अरे मिस्टर मेहरा, इसको तो खाना बनाने ही नहीं आता, ये तो मेरे लिए लायबिलिटी है, मैं तो इसे मुझे असिस्ट करने को ले जा रहा हूँ। चलो चांदनी लेट्स गो। देन यू कैन गो। अब आया है मुर्गा टटके नीचे, पकाते पकाते खुद पक जाए, ये पक्का है। चांदनी ये जरा बटन लगा देना प्लीज। सुबू, हाँ तुम वाकई खाना पकाने वाले हो? खाना पकाने वाला हूँ?
अरे मैं ऐसा खाना पकाने वाला हूँ, ऐसा खाना पकाने वाला हूँ कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखते रहना, ऐसा खाना मत पका देना कि उंगलियां चाट चाट कर ही हमें पेट भरना पड़े। सुबुख, तुम सच में खाना बना रहे हो? ओ हाँ यार सुबुख, गलत है, तू चाइनीज बना रहा है कि थाई बना रहा है खाना है? मिस्टर मेहरा, आप देखे तो सही मैं क्या बनाने वाला हूँ। ओए, टुडे सीइंग इज नॉट बिलीविंग, ईटिंग इज बिलीविंग, है ना पागवान? वो हम लोग कोई गाय भैंस है जो हमें केले के पत्ते खिलाएगा तू? ये केले के पत्ते आपको खिलाने के लिए नहीं है, आपको इसमें खाना सर्व करने के लिए है मिस्टर मेहरा। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी ये हमें चिकन डोसा और मटन मेंदू वाला खिलाने वाला है ना? साउंड्स इंटरेस्टिंग ना पापा। एंड अ वेरी फनी। घबराइए मत मिस्टर मेहरा, आज खाने का मेन्यू आप ही डिसाइड करने वाले हैं। ये रहा मेन्यू। अच्छा, तो फिर मेन्यू भी दिखा यार, तेरा मेन्यू की है। ये लीजिए मेन्यू। ओए ओए ओए, ये मेनू है या महाभारत है? मिस्टर मेहरा, आप तो महाभारत में एक्सपर्ट है ही, ये मेनू है, आप देखिए इसमें कौन सा डिश आपको पसंद है, वो डिश मैं बना के दूंगा। देखा कितना अमीर है। ओए, मुझे पूरा यकीन है कि तू कोई ऐसा डिश बनाएगा जिससे मैं जिंदगी भर खटिया पकड़ लूं। पापा, आप अभी भी सुबू पर शक कर रहे हैं, ये इतने चाव से आपके लिए खाना पका रहा है। सुबू, तू अपने मनपसंद की कोई भी डिश बना ले, इनसे सर फोड़ के कुछ फायदा है? राइट। ओए ओए सुबू, एक गल दस। ओ यार सुबू, ओ यार तू एक चीज तो भूल ही गया। क्या? वो चिकन बनाने के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? चिकन। आज ही हमें वेजिटेबल चिकन खिलाने वाला है। देखिए, ये देखिए मिस्टर मेहरा वॉच, ये देखिए मिस्टर मेहरा मुर्गियां हैं, मुर्गियां। तुझे चिकन उड़ाने को नहीं, पकाने को कहा था। वाह वाह सुबू वाह, वो यार तेरा पहला राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, वो आगे तक ही प्रोग्राम है। सुबू, जिंदा मुर्गियां लाने की क्या जरूरत थी? अरे मुझे क्या पता, मैंने जाके दुकानदार से कहा कि मुझे दो जानदार मुर्गियां दो, उसने दे दी। वो यार तू, मैंने तो कहा था पंजाबी मुर्गियां भी अटैक कर देती है। अब मुझे क्या, मैं क्या रोज जाके मुर्गियां खरीदता हूँ? मेरे पिताजी भी कभी मुर्गी खरीदे हैं क्या? ठीक है ठीक है, मैंने दोनों मुर्गियों को रस्सी से बांध दिया, अब फटाफट उन्हें काटो और शुरू करो। काटू कैसे कैसे? वो यार वैसे ही काटो जैसे कौ को तूने काटा। ए बग्गू, ए जरा मुर्गी को काटो ना प्लीज। मु बग्गू, एक मिनट, वो तेरा मेरा सौदा हुआ था कि तू किसी की हेल्प नहीं लेगा, समझा? बग्गू को कोई नहीं काटना तेरी मुर्गी। शर्त खाना पकाने की लगी थी, कत्ल करने की नहीं लगी थी। वो जो भी हो मैं नहीं जानता। क्यों जी? क्यों जी क्या बग्गू? काट दूं बहू जी? अरे पूछना क्या है, जा काट। और आप खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चलो अब। ठीक है, इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो और मुझे मेरे हाल में छोड़ दो। माय गॉड, इतना मैस हो गया है। रुक चांदनी, मैं ठीक करती हूँ जल्दी। ओए पागवान, किथे चली? चांदनी से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं सब जानता हूँ, कोई जरूरी बात बात नहीं है। तू अपने जवाई को कुकिंग में हेल्प करने जा रही है, क्यों? क्या कर्फ्यू लगा रखा आपने? कर्फ्यू नहीं, तू मुझे बेवकूफ भी नहीं बना सकती, पता है क्यों? क्योंकि तेरे हाथ का बना खाना मैं इस तरह पहचान लूंगा। दो मिनट में उसकी क्या हेल्प कर दूंगी। ओए, दो मिनट में तड़का तो दे सकती है। ओए रघु, खोदे तो पता। बहुजी, मैं रघु नहीं बगू। वो तू जो भी हो, मेरे लिए तू खोतेदा पुत्र ही रहेगा। आप मुझे खोतेदा पुत्र मत कहा करो, बुरा लगता है। बहुजी, मैं बहुत सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। क्यों? आप मेरे पिता समान है जी। वो तू बकवास ना करी मेरे लिए। अच्छा सुन, अब मैं ये चाहता हूँ कि हर थोड़ी देर बाद तू किचन में जा और वहां का आंखों देखा हाल मुझे सुना, रनिंग कमेंट, समझा? People say charity begins at home. मेरे यहाँ तो corruption begins at home. ओ
सुबु, ये लो। गर्मी लग रही है ना, लो शरबत पी लो। सॉरी, थैंक यू। एक बात बताइए मम्मी, आप लोग ये चिकन खाते कैसे हो? ठीक वैसे जैसे आदमी आदमी को खाता है। क्या? मुहावरा है सुबु। एनीवे, अपने सुहाग के लिए इतनी कुर्बानी तो मैं दे सकती हूँ। बचपन से देखती आ रही हूँ। It's too late now. Yes, for the poor murgis. क्या हुआ सुबु? पियो पियो, जल्दी पियो। ठीक तो लगा? दांत दांत। अच्छा, तो शरबत पिलाया जा रहा है क्या? हाँ भौजी, एक जमाने में उसे दूध पिलाते थे नागपंचमी के दिन। भौजी, वैसे तो वो मुझे बड़ा भला आदमी लगता है। वो तो मैं क्या विलन लगता? और यार, ऐसे लोग भलाई के नाटक में ही मलाई खांदे रहते। तू एक काम करी यार, तू जाके फ्रिज में से मेरे लिए एक चिल्ड बॉटल बियर की लिया, क्योंकि होश में रहकर तो मैं इसके हाथ का खाना खाने से रहा। भौजी भौजी, वो जा यार खोते। ओ बारी बरसी खड़न की आसी खड़के ले आंगा दूल्हा, ओ फंस गया मुंडा बन के जवाई पूके घर का चूल्हा। देख के मैं झूठ बोलया, देख के मैं कुफर तो लिया। भौजी ने बियर मंगवाई है तो जाना कर ले फ्रिज से। ये मैं चिकन धो के रखती हूँ, तुम बाकी आइटम्स बनाना शुरू कर दो। हाँ, कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए बग्गू, सॉरी, भौजी ने मना किया है। भौजी ने मना किया स्टाइल। हाँ, आते ही तेरे पापा का कैसा बड़ा चमचा बन गया। हाँ, लेकिन अब ये वेजिटेरियन डिश में क्या बनाएंगे? मिक्स वेजिटेबल एंड दाल। यस, तुमको बनाने को आता है? ये रेसिपी बुक किस दिन काम आएगी? पेज नंबर 89। 29। भौजी, बियर तो बड़ी पुरानी लगती है। वो यार, वो फ्रिज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री आई थी। कब आया था? लेट मी थिंक, 1984 में। ओ खोते, वो सब छोड़ यार, तू मेनू ये दस अंदर की लेटेस्ट बुलेटिन की है मैदान है जंग दी। भौजी, वहां तो समझ में ही नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से की जाए। वो समझ नहीं आ रहा शुरुआत। वेरी गुड न्यूज यार, तूने तो मेरी तबीयत हरी कर दी। ओए, तेरी तनख्वाह तो नहीं हुई? नहीं भौजी, मैं कल ही आया हूं ना। अच्छा, तो एक काम कर, मेरी तरफ से एडवांस में तू एक आइसक्रीम खा लेना। जा ऐसे ऐसे जा। जी भौजी, शुरुआत ही नहीं हुई, चलो अच्छी शुरुआत कर दांगे। Hey, नन्ना इतिंदे, इतु नोके? Very nice. अरे चांदनी, वो मसाला सब किधर है? नमक, हल्दी? सारे मसाले वहाँ पड़े हैं, हर मसाले के नीचे नाम लिखा है। ओके, हर मसाले के नीचे नाम लिखा है। मेथी, हल्दी, मसाला, सॉल्ट। ओके, एक्सक्यूज मी, आ रहा पढ़ रहा हूँ। हल्दी एक एक चम्मच। हल्दी एक एक चम्मच, एक चम्मच, एक चम्मच, एक चम्मच, एक चम्मच। हाँ, नेक्स्ट। मेथी हाफ हाफ चम्मच। मेथी हाफ 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 हाफ। ओके, अगले। सॉल्ट चार चार छोटा छोटा चम्मच। नाल कुटी कुटी चम्मच। कुटी कुटी एंड द कुटी सॉल्ट कुटी। ओके, नेक्स्ट। Mixed vegetables. Okay. Yes. You did it. No. We did it. Baudhi. Oye, ki hoya hoya, tu to is tarah bhag raha hai jaise murghe ko dekh ke subu bhagta hai. Baudhi pak gaya. Kaun subu? Nahi, murgha ubal raha hai, 5 minute mein taiyar ho jayega. Oye yaar, dhobi ke bhatte mein kapde bhi to ubalte hain to kya khane layak ho jate hain? ओ भगवान, वो जरा बताना तो, आपके जवाई की दाल गली या नहीं? चांदी, ये दाल दिखती तो अच्छी है ना? दिख तो अच्छी रही है, अब तुम टेस्ट करके देखो। नो, यू डू द ऑनर डार्लिंग। ओके। या
यक? अरे यकायक यक कैसे हो गया? हमने सब मसाले तो रेसिपी बुक के हिसाब से डाला था। एक काम करो, ये मिक्स वेजिटेबल चेक करो ना। तुम टेस्ट करके देखो। ओके। क्या हो गया? हमारा खाना बर्बाद हो गया। लेकिन कैसे? मैं समझ गई। तुम समझ गई ना? क्या समझ गई? जब मुर्गियों ने उधम मचा रखी थी सारे डब्बे गिर गए थे। जब वापस रखा तो सारे जगह उलट पुलट हो गए। ये यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ आना चाहिए था और ये यहाँ होना चाहिए था। तुम्हारा मतलब है मैंने यहाँ कुछ गलत डाल दिया? हाँ सुबू, तुमने सारे खाने में नमक की जगह बेकिंग सोडा डाला है। चाचानी, ये जरा चिकन को टेस्ट करके देखो ना। नहीं, मुझे हिम्मत नहीं होती। कमाल है, चिकन ने मरने की हिम्मत की, तुम्हें टेस्ट करने की हिम्मत नहीं है। अब वो बका सुनो, तुम्हारे पिताजी को क्या खिलाएंगे? चानी, कहीं वो मुझे चिकन की तरह चबा तो नहीं जाएंगे ना? वो कैनिबल बन सकते हैं। हां पॉसिबल पॉसिबल। अयो अभी क्या करें? मोबाइल। हां चलो बात चलते हैं। नहीं, तुम्हारे पास मोबाइल फोन है? हमेशा मेरे पास ही रहता है। क्यों? अरे तुम्हारे पिताजी घड़ी घड़ी उठा के इंटरनेशनल कॉल कर देते हैं यार। मुझे एक डोमेस्टिक कॉल करना है। हेलो सुब्बू, ने खाना बना लिया? मैं उसे हरगिज नहीं जीतने दूंगा। आई विल हैव द फर्स्ट लाफ एंड आई विल हैव द लास्ट लाफ। दिस इज द फर्स्ट लाफ। क्या जाना है? चांदी दो ना कुछ। अरे बाप रे, वो चल रहा है। कौन खाना बनाने को बोला था तुमको? ये तो दीवार है। सिंक किधर है? Chandni, all set? Yes, three sets. Good. Game and set. And now, match point. Yes. Daddy, मुझे तो बहुत भूख लगी है। Wow, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। ओए, ये डायलॉग अभी नहीं, खाना खाने के बाद कहना कि मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। Congrats, Subbu. आखिर तुम जीत ही गए। Thank you. My dear wife, your बधाई is immature. पहले खाओ, फिर बधाई दो, okay? ठीक है, ठीक है। आप पहले प्रेम से कहिए, फिर बोलिए। हाँ, हमें ही खाना पड़ेगा। अफसोस, हमारे घर में कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है जिसे खिला के दे। मेहरा जी। ओ भगवान, जोक मारे आसी में, जोक मारे आसी। मुझे कोई कुत्ते बिल्ली से दुश्मनी है क्या? ओए ओए, खोते थे पुत्र, तू खड़े खड़े मुंह क्या टकराए? वो खाना परोसना। कमान कमान कमान। नहीं यार, पहले बच्चों को। मम्मी मम्मी, मेरे को मेरे को। अरे मैं खा। मुझको भी दो ना कुछ। वो यार सारे टैंक लाए थे, डालेंगे। खिलाओ खिलाओ उसे। खिलाओ। थैंक यू थैंक यू। क्यों, क्या हुआ? ये इसमें तो हाँ नमक और मिर्च बहुत ज्यादा है ना? इसमें तो नमक बिल्कुल नहीं है। हैं? हाँ, ये तो एकदम फीका है। फिर तो सुबू, ये खाना तूने नहीं बनाया। क्यों पापा, ये अब क्या कह रहे हैं? ये खाना सुबू का बनाया हुआ हो ही नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अपने इन पावन हाथों से इतना सारा नमक उसमें। कुछ नहीं। हाँ कहिए 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 ना कि आपने मेरे खाने में बहुत सारा नमक डाला था, कहिए। तुम मुझसे जबरदस्ती कुछ नहीं बुलवा सकते। मुझे कहना भी होगा तो मैं अपनी मर्जी से कहूंगा। हाँ ये चक्कर क्या है? मैं बताता हूँ मम्मी कि चक्कर क्या है। अभी बताता हूँ कि चक्कर क्या है। मम्मी ये देखिए, ये वो खाना है जो मैंने पहली बार बनाया था और मिस्टर मेहरा ने ढेर सारे नमक और मसाले डाल के इसका भतंगड़ बना दिया। देखिए आप ही देखिए। क्या? हाँ मम्मा, जरा चक्कर तो देखो। ये क्या है जी?
और मेरे पास सबूत भी है। ये देखिए इनके मोटे पंजों की निशानी। अब बोलना किसमें तुम्हारा हाथ नहीं है। वो इतने छोटे पंजों के निशान मेरे हाथ के हो ही नहीं सकते। देखा डैडी देखा, इसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना। अरे चंदर वो देखो डैडी के हाथ भी रंगे हुए हैं। हाँ, मेहंदी लगी डैडी के हाथ। ओए हल्दी लगी मेरे हाथ। ये कब लगी है? वो क्या शेर था मिस्टर मेरा, जो चुप रहेंगी जुबाने खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। इस वक्त तो मसाला पुकार उठा। आला हुसैन आला हुसैन। ओए मेरे मिर्जा गलीब नंबूदरी पाद, अगर मैंने तेरा सारा खाना खराब कर दिया तो फिर ये खाना कहाँ से आया है? जवाब दे। वो अरे वो तो मैंने फटाफट खाना बना लिया। मुझे कितना टाइम लगता है खाना बनाने को? नो टाइम एट ऑल। वो इम्पॉसिबल, इतने कम टाइम में कोई खाना बना सकता है? ऑल ओवर अगेन। हेलो, हाँ कपूर बोल रहा हूँ, मेरा साहब को फोन देना। जी हाँ भाजी, हमारे होटल के मैनेजर का फोन है। होटल के मैनेजर? हेलो, खोते की होया? वो फिर से बावर्ची ने स्ट्राइक कर दी क्या? सर मैं कपूर बोल रहा हूँ सर। वो यार वो मैंने पता है लेकिन क्यों बोल रहा है? सर वो चांदनी बिटिया ने जो हमारे यहाँ से स्पेशल खाना मंगवाया था ना, उसमें वो जरा नमक डालना भूल गया था। वो एक कपूर कपूर कितनी बार तेनू क्या है कि मुझे क्लाइंट की कंप्लेंट बिल्कुल पसंद नहीं, फिर वो चांदनी हो या कोई। वो एक मिनट भाई, ये चांदनी मेरी बेटी थी, क्या कर रहा है तू? उसने तुझे, ओए बीबी देख लिए तुम्हारे जवाई के करतूत, उसने हमारी रेस्टोरेंट से खाना मंगवा के हमें खिलाने की कोशिश की। देखिए मिस्टर मेरा, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने मेरे बनाए हुए खाने को खराब करके सबसे पहला पाउल आपने किया था। सुब्बू तो बिल्कुल ठीक कहता है जी। या वरना मैंने ऐसा खाना बनाया था कि लोग जिंदगी भर याद रखते। क्यों चांदनी? लेकिन एक बात बताइए तो चांदनी, कि इनके होटल के खाने से मेरा हाथ का बनाया हुआ खाना बेहतर है, राइट? ओहो, तो फिर ये भी तय है। ओ सुब्बू सिंह, कल से मेरी रेस्टोरेंट में भी खाना तू ही बनाएगा।